ये टॉपिक ना सबसे बड़ा टॉपिक है। लोग बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हमारी क्लास चल रही है ना सर, तो हम कितने घंटे पढ़ाई करें, व्हाट शुड बी अ ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज व्हेन जब हम क्लासेस करते हैं। तो इसके बारे में मैंने कई बार चर्चा की है, कई बार डिस्कशन किया है, बट यूट्यूब पे जो अपने दोस्त लोग हैं उनको बताया नहीं है, क्योंकि कई बार चलता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका अटेम्प्ट दिसंबर में है। कब है आपका अटेम्प्ट? दिसंबर में है। आप लोगों ने जनवरी से क्लासेस स्टार्ट कर दी होंगी। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लगभग मैं मई तक, और मान लीजिए आपके 10-15 दिन बीकॉम के एग्जाम्स के चक्कर में होंगे, तो जून के 15 दिन। तो जून के 15 दिन लगभग मान लीजिए 5.5 महीने या 5.5 महीने आपका क्लास का ड्यूरेशन होता है। अब इसमें भी दो चीजें हैं, या तो आप एक ग्रुप की क्लास कर रहे हैं या फिर आप दोनों ग्रुप की क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि सर मुझे सेल्फ स्टडी कितना करना है और सेल्फ स्टडी में क्या करना है। तो इसमें बहुत सीधी चीजें हैं, बहुत ईमानदारी से मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, प्रोफेशनल कोर्स में मैं मानता हूं कि मैं खुद भी इस टीचिंग इंडस्ट्री में हूँ, क्लासेस का बहुत बड़ा योगदान है, बट यस, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते। जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, बट यस, क्लासेस का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि लॉ के कोर्सेज काफी हैं, लॉ के काफी सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्लासेस का काफी बड़ा योगदान होता है। बट यस, अगर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, डेफिनेटली गो फॉर दैट। तो मैं बात करूंगा जो लोग क्लास करते हैं, क्लास करते करते क्या ड्यूरेशन होना चाहिए पढ़ाई का, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए, व्हाट टाइम टेबल यू शुड फॉलो ड्यूरिंग द क्लास। तो इसमें मैं ये मान लेता हूँ कि शाम को 7 बजे से लेके सॉरी सुबह के 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक की आपकी क्लास होगी, 11 घंटे की, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं। तो ये वीडियो में मैं बेसिकली फोकस करने वाला हूँ दोनों ग्रुप वालों के ऊपर भी और एक ग्रुप वालों के ऊपर भी। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो 7 बजे से 5 बजे तक आपकी क्लास होगी। अब इसमें ना एक चीज है जो शायद बहुत कम स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टेक्निक को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपका जब एक टीचर आता है और एक टीचर ने अपना लेक्चर लिया, फॉर एग्जाम्पल 7 बजे आपका लेक्चर स्टार्ट हुआ, 9:45 बजे तक आपका लेक्चर खत्म हो गया, या 9 बजे आपका लेक्चर खत्म हो गया, या 8:30 बजे आपका लेक्चर खत्म हो गया। एक टीचर के जाने के बाद और दूसरे टीचर के आने के पहले यू गेट 10 मिनट्स का ब्रेक। अमूमन 10 मिनट का ब्रेक सबको मिलता है, 10 से 15 मिनट का ब्रेक। तो ना उस ब्रेक के पीरियड में क्या करने का, बहुत सिंपल सी टेक्निक है, जो भी आपके टीचर पढ़ा के गए खटाखट क्या करने का, उस चीज को रिवाइज करने का। और वो रिवाइज आप 7 से 8 मिनट में कर सकते हैं, 5 मिनट में भी कर सकते हैं, और अगर आपको 5 मिनट का टाइम भी ना मिले तो कम से कम ये तो देखना चाहिए, ओके सर ने ये पढ़ाया, कंपनी लॉ का ये सेक्शन है, इसमें ऐसा होता है, ओके यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है। इतना सा मुश्किल से 8 मिनट लगते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गए तो सर ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कराई, हमने यहाँ पे ये स्टेप लिया, यहाँ पे ये स्टेप लिया। एक लेक्चर खत्म होने के बाद दूसरे लेक्चर खत्म होने के शुरू होने के पहले जो भी हमको टाइम मिलता है, हम बाहर निकलने के पहले, अपनी सीट छोड़ने के पहले कम से कम ये निश्चित कर लें कि यार इतना तो पढ़ें। तो मेरे ख्याल से ये हमारा पूरा रिवीजन, एक रिवीजन जो है हमारा कब हो जाएगा, एक रिवीजन हमारा हो जाएगा ड्यूरिंग द क्लास आवर्स। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब मान लीजिए आप लोग शाम को 5, 5:30, 6 बजे फ्री हो गए, घर पहुंचे 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे चली घर पहुंचे, कई लोग जो दूर से ट्रेवल करते हैं 8 बजे, खाना वगैरह खाया, 9 बज गए, फिर टीवी देखना, यस चलिए टीवी भी देख लीजिए क्योंकि आपको अपना माइंड फ्रेश करना है, या जो लोग हॉस्टल में रहते हैं वो अपने दोस्तों के साथ टाइम पास कर सकते हैं। तो 10 बज गए। अब बच्चों 10 से, देखिए मैंने आपको 5 घंटे का ब्रेक दे दिया, अब बच्चों 10 से 11:30, 10 से 11:30 यू हैव 1.5 घंटे का टाइम, आपके पास 1.5 घंटे का टाइम है। इस 1.5 घंटे में अगेन आपको वो पूरा रिवाइज करना है जो आपने दिन भर में पढ़ा है। ये हो गया 1.5 घंटा, 11:30 बजे बिंदास सो जाने का भगवान जी का नाम लेके। अगले दिन आई डोंट नो आप कितने बजे उठते हैं, अगर 7 बजे क्लास है तो मेरे ख्याल से 5:30 तक के पहले, 5:30 तक तो आप उठ जाते होंगे। अगेन 5:30 बजे आपने उठे तो जितना आपने लास्ट डे पढ़ा है उसमें से एक दिन थियरी सब्जेक्ट और एक दिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको क्या करना है, पूरा रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना है, जो आपने पढ़ा था। नहीं तो सुबह जो आप पढ़ना है, सुबह अगर आप रात को 1.5 घंटे पढ़ लेते हैं तो सुबह अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, आप मत पढ़िए। अगर आपने क्लास में रिवाइज कर लिया और घर जाके रिवाइज कर लिया, 2 बार आपका रिविजन हो गया, तो अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये स्केड्यूल स्ट्रिक्टली आपको कब फॉलो करना है, जब आपकी क्लासेस चल रही हैं। जब मैं ये मानूं कि भाई आपके पास टाइम कम होता है, फिर एक संडे आता है,
तो कई क्लासेस तो संडेस को भी क्लासेस ले लेते हैं कई लोग। तो संडे को बच्चों पूरे वीक में आपने जो पढ़ा है वो आपको रिवाइज करना चाहिए। आई नो इट इज नॉट पॉसिबल, कई लोग इसमें एक्सक्यूज देंगे, रीजंस देंगे, बट यू शुड टेक आउट टाइम कि आप संडे को क्या करें, पूरा रिवाइज करें। बच्चों अपना सीएस कोर्स है, पासिंग परसेंटेज काफी कम होते हैं, तो मेहनत भी हमको यहाँ पे ज्यादा करनी है। सो रिवाइज एंटायरली ऑन संडे। और संडे को एक चीज याद रखिएगा, पांच सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, जैसे मैं सीएस एग्जीक्यूटिव नए सिलेबस की बात करूं, पांच लॉ के सब्जेक्ट पढ़ते हैं और तीन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ये आठों सब्जेक्ट जो हैं, इनके हर एक सब्जेक्ट के एक एक दो दो क्वेश्चंस, दो दो तीन तीन क्वेश्चंस आपको क्या करने चाहिए, सॉल्व करने चाहिए, ताकि आपकी सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस होती रहे। और बच्चों ये जो ड्यूरेशन है, ये जो ड्यूरेशन है बच्चों, ये 5 साढ़े 5 महीने आप देखिए, आपका क्लास खत्म हो जाएगा, क्लास के साथ में आपका भी सिलेबस एक बार खत्म हो जाएगा। लेकिन ये स्केड्यूल बच्चों बोलना बहुत आसान है, बट फॉलो आप तभी कर पाओगे जब आप में बहुत तगड़े लेवल का कमिटमेंट है, बहुत तगड़े लेवल का कमिटमेंट है। हमारी क्लास में जो बच्चे होते हैं उनमें से मुश्किल से 10%, 15% और 20% बच्चे ये स्केड्यूल फॉलो कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सफलता पाने का ये रामबाण इलाज है, जस्ट फॉलो दिस स्केड्यूल और आप देखिए दोनों ग्रुप आपके क्लियर होंगे। अच्छा, जून के बाद क्या करना है, वंस यू आर डन विद द सिलेबस, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। सो प्लीज इस चैनल को, चैनल में बने रहिए और उसके ऊपर भी मैं एक बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा। बच्चों थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस, और यस आप सब बहुत अच्छे, बहुत सक्सेसफुल सीएस बनेंगे, ऐसा मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करूंगा। और आप, मैं प्रार्थना नहीं भी करूं तो भी आप बनेंगे, बट एज अ टीचर मेरा काम है आप लोगों के लिए प्रार्थना करना, आप लोगों के लिए भगवान से आशीष मांगना। थैंक यू सो मच बच्चों।